हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं में लैपटॉप योजना के बारे में। क्या न्यूज़ सामने आ रही है तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले भी लाडली बहन योजना के बारे में बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, इस बार 75 से नहीं 70 अंक लाने वाले को ऊपर, है ना, जो 70 अंक से ऊपर रहेगा उन लोगों को लैपटॉप मिलेगा, वो भी 26 जुलाई से, है ना। तो उसका डेट आ जाएगा, न्यू अपडेट, है ना। तो अभी ये न्यूज़ निकला, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, तो है ना। तो अगर जो आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम उसको आपको प्रोवाइड करा देंगे। और जो नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह जो भी आपका न्यू अपडेट है हम उसको प्रोवाइड कराते रहेंगे एमपी बोर्ड का। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कब तक में आपका लैपटॉप योजना का लिस्ट जारी हो जाएगा। तो उसी के बारे में पूरा न्यूज़ निकल के सामने आया है दैनिक भास्कर में, तो देख लीजिए। और उसके पूरा डिटेल मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो क्या है बताए, इस योजना के लिए क्या बताया गया है, 25 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। इसमें 21 साल के बहनों, है ना, और जिन घरों में ट्रैक्टर है उन परिवारों को, महिलाओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा, है ना। और फिर इसमें बताया गया है आगे, वहीं 12वीं के स्टूडेंट के लिए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। ये पूरा क्या है उसका है, लाडली बहन योजना का पूरा डिटेल यहाँ पास बताया है। फिर आगे जो आपका मेन है क्या है, लैपटॉप योजना के बारे में, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो क्या है, महिलाओं के लिए है और ये बच्चों के लिए है जो 12वीं इसी साल पास किए हैं 2022-23 में, तो उसी के बारे में बताते हैं। वहीं 12वीं के स्टूडेंट के लिए भी ये योजना शिवराज सिंह ने बड़ी घोषणा की, क्योंकि अभी क्या होने वाला है, एमपी चुनाव होने वाला, तो इस बार मामा ने क्या करे, 70% से ज़्यादा बच्चों जो लाए हैं तो उनको क्या मिलेगा, 26 जुलाई को क्या मिलेगा, लैपटॉप दिया जाएगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है, इस बार कितने मिलेगा, 70% वालों को मिलेगा। और उन्होंने यह सुपर कॉरिडोर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक लाडली बहन योजना और दूसरी किस्त 1,000 एक एक हज़ार पूरे देश में बांटा जाएगा, मतलब ये पूरा उसके बारे में बताया है इसमें। और इसमें ये बताया गया आपका जो न्यूज़ है 12वीं वाले का, 12वीं में पूरे स्कूल में प्रथम आने वाली छात्राओं को, जो छात्रा हैं उन, है ना, तो उनको कह दिया जाए स्कूटी जाएगा, लेकिन जो छात्र होते हैं उनको नहीं मिलेगा, ना कुल मिला के लड़कों को नहीं दिया जाएगा स्कूटी और लड़कियों को क्या दिया जाएगा, स्कूटी दिया जाएगा 12वीं में जो प्रथम स्थान लाए हैं बच्चों को, है ना, और जो सेकंड आए हैं उनको नहीं मिलेगा। और वहीं गांव के स्कूल में नहीं होने पर दूसरे गांव जा रहे स्टूडेंट को साइकिल के लिए 4,500 रुपये भी दिए जाएंगे। क्या है, जो दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं, मतलब जिस गांव में व्यवस्था नहीं है स्कूल की, तो उन बच्चों का क्या दिया जाएगा, साइकिल दिया जाता है, पहले भी दिया जाता था लेकिन क्या दिया, साइकिल दिया जाता था, अब क्या दिया, पैसा दिया जाएगा, वो भी 4,500 रुपये, यानी 4,500 रुपये उनके अकाउंट में डायरेक्ट कर दिया जाएगा ट्रांसफ़र। और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द, है ना, स्कूटी और जो पैसा रहेगा वो जल्दी ही आपके ट्रांसफ़र किया जाएगा, 26 जुलाई को मिलेगा बच्चों। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया, ये न्यूज़ भी आ गई, तो बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एमपी बोर्ड में, है ना। तो वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।